चली जाएगी दोस्तों आखिरी प्लेयर गाड़ी के साथ पानी में जाते हुए अंटार्कटिक सर, लेकिन सामने ही उनके वाइब्स और रॉ और हाई वोल्टेज और रिमरीस और आईट सभी मौजूद रहेंगे, बट वहीं पर असासिन किल कंफर्म किया जाएगा। लुक एट दिस आदि पांच टीम्स, लुक एट दिस, एक पूरा शोरूम बनता हुआ हमारे सामने, द लाइन, लुक एट द लाइन, ओह माय गॉड, दे आर होल्डिंग देयर यार, दिस इज इनसेन। This is, अब पता चला है कि PMPL हो रहा है, कुछ नया देखने को मिला, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिला टीम्स की तरफ से, लेकिन आरटीडी के हसन अभी भी अपनी बाकी के अंदर बैक सीट के ऊपर मौजूद रहेंगे, बाकी जो है वो छोड़ दी जरूर जाएगी। फाइव के प्रवीण की तरफ से स्पॉट आउट किया जाता है, बाकी के ऊपर आइए के आखिरी प्लेयर भी एलिमिनेट होते हुए नजर आएगी अब इस मैच में, और आज 13 के ऊपर टीम फाइव का टीम आई एट का स्पॉट एलिमिनेट होता हुआ नजर आता है, लेकिन नेट आएगा और आई थिंक सो हाई वोल्टेज के प्लेयर्स भी इस पानी के अंदर मौजूद रहेंगे। जूस के जोन की तरफ से नेट आता है, आरटीडी के हसन ओपी का किल कन्फर्म किया जाता है पानी के अंदर, और वाइब्स के किलर भी जाते जाते एक अपना तोहफा जरूर छोड़ जाते हैं और 7C के प्लेयर्स को टिकट के साथ यहाँ पर एग्रेस करते हुए 2-3 स्क्वाड मुझे सारे मंजर के अंदर नजर आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बिजी जिस टाइप के प्लेयर टीम सील के 1-2 प्लेयर्स को एलिमिनेट कर चुके हैं। सील के बारे में मौजूद रहेंगे, किला काफी ज्यादा लो एचपी आ चुके हैं, लेकिन अंदर की तरफ एक भी नेट अगर यहाँ पर स्पैम किया जाता है वो के बारे अंदर की तरफ जाते हैं, प्लेयर जो है वो हाथ में नेट कुक किए हुए थे और इसी चीज का फायदा उठाते हुए अंदर की तरफ एग्रेस जरूर किया जाता है। साउंड इज द की, साउंड टेकिंग इज द की हेयर, बिकॉज यहाँ पर फुटस्टेप्स नहीं आते आपको हार्डकोर पीएमपीएल के अंदर, सो साउंड इज द की, आपकी जो एक्टिवनेस है आपके जो आई थोड़ी हालत नजर आ जरूर रही है, लेकिन वहीं पर अच्छी हालत में इस वक्त हशाश मशाश एफएस रोटेशन करती हुई नजर आई थी, लेकिन जिस तरह से व्हीकल्स अच्छी तरह से मोड़े जा रहे हैं सिचुएशन काफी खराब लग सकती है, बट विद दैट आरटीडी वहां से एग्जिट आती है और 14 स्पॉट है ना, आरटीडी का जो एक रोमांस चल रहा है काफी लेकिन फिलहाल मैं सारों से रिक्वेस्ट ये जरूर करूंगा, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं पर भी आप मौजूद हैं, स्ट्रीम को लाइक जरूर करिए, बिकॉज आपके लाइक करने से ही कॉम्पिटिटिव लेकर आ सकते हैं, लेकिन स्टॉलवर्ड ईस्पोर्ट्स का स्क्वाड यहाँ पर नॉक करता हुआ कोशिश जरूर की जा रही है, टीम सीट के प्लेयर्स को नॉक आउट करने की। ब्लाइंड फायर्स, लुक एट द मंगोलियन स्टार्टिंग, ब्लाइंड फायर्स जहाँ स्मोक देखिए ब्लाइंड फायर्स करते हैं, बिकॉज दे नो हाउ दीज थिंग्स वर्क आउट, कैसे यहाँ पर टीम खेलती नजर आती है, लेकिन सर्कल ऊपर जा रहा है स्किल्स जो टीम के पास मौजूद रहने वाले हैं, हाउ फैसिनेटिंग इज दैट, और ये कितना ज्यादा एक इंप्रेसिव प्रोटेक्शन है वो नेट फेंकते गाड़ी लेकर आगे जाते हैं, एंड उनको पता था एंड इन अ स्प्लिट सेकंड टीम क्लैरिटी के स्क्वाड को एलिमिनेट किया जाता है इस मैच से। दिस इज स्ट्रैटेजी और ये आज से मेरे नहीं बता रहे थी, वॉली आगे की तरफ जाते नजर आ रहे, लेकिन वहां पर उनको रॉक प्लेस की तरफ से टिक डाउन किया जा रहा, देखते हैं फिलहाल टीम स्टॉलवर्ड स्पोर्ट्स का स्क्वाड इस मैच के टिकट लेकर जा पाएगा या नहीं लेकर जा पाएगा, फिलहाल वो नजर आ रहे स्टॉलवर्ड स्पोर्ट्स की टीम, अगर थोड़ी सी गलती यहां पर करके स्पॉट डाउन किया जा सकता है वो आई ब्रेक नॉक निकल आ सकता है, उसके बाद यू को टिक डाउन किया जाता है एक्सपीए की तरफ से, एक हाई ग्राउंड एडवांटेज उनके पास जरूर मौजूद रहेगा, लेकिन टॉप टीम के बिल्कुल सामने सीन के जाकी मौजूद है और उनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा कि कहां पर वो प्लेयर मौजूद रहने वाले, लेकिन फिलहाल एक्शन टू यहां पर मौजूद रहने वाले, उनकी तरफ से स्पॉट आउट किया जाता है जाकी को, the final confirmation and there goes the chicken dinner in the backpack of team Stalwart Esports. Just look at those smiles on the faces of team Stalwart Esports, wo hansi wo muskurahat aur wo ek jo aagaaz apna jhanda gaad ke yahan par karte hain, 12 solo kills yahan par karke lekar jaate hain, that was action action yahan
से बाहर कर दी ट्राई, लेकिन नाउ 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 सुपियान विनी चाहता वो राइट ऑन देयर फेस पिक अप रेंज पास करेंगे। दिस फाइट शुड नॉट हैपन यहां पर पाकिस्तानी टीम का बस रेडी होने चाहिए था, होने चाहिए था, इट फॉल शॉर्ट थोड़ा सा अंडर कुक ने शुरू था बटा पर क्यों कंफर्म करते हुए नजर आ सकते थे टीम का अखिलाड़ी के प्लेयर्स का और साइड ऑफ टीम आए थे कि यहां पर देखिए कैसे अपने का उसी समय जाते होते समय जाते होते मेरे को करने के लिए कैडी को लेके लेफ्ट एंड का शिफ्ट तो भी मौजूद रहने वाले हैं उस समय पे जाते हुए इस वक्त उनका वन ऑन बन जाएगा सिद्धार्थ के साथ। सिद्धार्थ डैमेज देते हुए काफी लोग करेंगे, दोनों प्लेयर्स लो, दोनों प्लेयर्स बहुत ज्यादा लो हो जाएंगे बट सिद्धार्थ यहां पर मौजूद डिफेंड के लिए उस पोजीशन पे टेक ले जाएंगे पैकेट कैडी के बाकी प्लेयर्स जाते हुए सिचुएशन काफी खराब बन जाएगी जरूर नजर आ सकते हैं लेकिन जल्द से जल्द यहाँ पर क्लैरिटी के प्लेस अपने किल कंफर्म करते हुए इससे पहले कोई और मजीद इजाफा यहाँ पर किया जाए उसको मुश्किल होगा लेकिन ब्लेड को वंस अगेन लो कर दिया जा चुका, ब्लेड को फॉल बैक करना बिल्कुल और सीनी स्पोर्ट्स का मेरे ख्याल से पीएमपीएल सुपर क्रिकेट के सारे सिलसिले के अंदर पहला चिकेट डिनर रहने वाला है और वो उनकी खुशी भी इस चीज़ की गवाही देती हुई नजर आ रही है कि बाकी पहला रहेगा चिकेट डिनर की तरफ से। सो 8 किल्स के बैक पैक में रहेंगे 105 का डैमेज ओवरऑल राग पर जवाब देंगे दोस्तों कुछ ही सेकंड में ग्रेनेड यहां पर आता नजर आएगा दोस्तों तरफ से एंड वहीं पर बात करेंगे बुजर्स के प्लेयर्स यहां पर जो इस वक्त हील बैटल करते हुए नजर आएंगे सर्कल के बाहर उनके पास 8 किट्स मौजूद है पैराडाइज की एरिया में प्लेयर मौजूद है 54 मीटर सर्कल से बाहर थर्ड स्पॉट पर लाने की कोशिश थर्ड स्पॉट पर लाने की जंग सील किला यहां पर रीड हो जाएंगे सकी यहां पर मौजूद रहेंगे तारी स्पॉट कर सकते तारी स्पॉट कर सकते तारी स्पॉट से मॉडल्स बल टेक्स इट डाउन मैच से बाहर किया जाएगा मलिक अभी भी सर्वाइव करते हुए डीआरएस के प्लेयर भी इस वक्त हील बैटल करते हुए नजर आएंगे इज आउटसाइड द सर्कल मलिक इज आउटसाइड द सर्कल जूस ये चिकन लेकर जा चुकी है ऑलरेडी उनके हाथों से अगर वो टीम चिकन
शॉल हो दैट गाइस रियली लेकिन उनको रिवाइव देने के लिए कोई भी प्लेयर की रिस्की सिचुएशन नहीं उठाना चाहता धानी इज प्लेइंग आउट बट रिवाइव हो सकते हैं आई बिलीव दैट What?